तो भाई लोग बचपन में हम ये सोचते थे कि क्या सच में पेंसिल के छिलकों को दूध में मिक्स करके फ्रिज में डालने पर रबड़ बन जाती है। तो इसी का हम पता लगाने के लिए हम भी टेस्ट करने वाले हैं कि क्या होता है कि हमारी इरेजर या रबड़ जो भी है बनती है या नहीं बनती। तो इसी के लिए मैंने तो पेंसिल ले चुका हूँ, थोड़ा सा दूध ले चुका हूँ और दूध लेने के बाद इन्हें मिक्स करने की बारी। उसके लिए मैंने कुछ नहीं कटोरी ले चुका हूँ मैं छीलने की बारी, और मुझे पता है कि मेरी पेंसिल बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब छीलते छीलते हाथ दर्द हो गया। खैर कोई बात नहीं यार, छीलना तो पड़ेगा फिर भी यार। फिर छीलने के बाद इनका साइज कुछ ऐसा हो गया। अब कोई नहीं, अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल दूंगा। दूध डालने के बाद अब इसे कुछ नहीं, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसे फ्रिज में रखने के बारी। गाइस सच में फ्रिज में डालने के बाद ये कसम से रबड़ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी यार, मुझे तो खुद नहीं पता, बट चेक करते हैं। अब डालने के बाद इसे 3 घंटे तक छोड़ चुका हूँ। 3 घंटे पूरे हो चुके हैं गाइस, इसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी रबड़ बन पाई है या नहीं बन पाई। अभी तक बनी है नहीं बनी यार? नहीं बनी यार, मतलब तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया।